Assalamualaikum everyone, I am Hina. You are watching my YouTube channel Honey Bunny. Today I am visit Kashmir. Kashmir में हूँ मैं अरंगकेल में, और अरंगकेल में कैसे आते हैं ये दिखाऊंगी। अरंगकेल में केल से जाते हैं। अरंगकेल 250 रुपये जो है 250 रुपीज़ टिकट है, जो डोली में बैठकर जाएंगे हम, और ये लोग NIC हमारा रख लेते हैं और वापसी पे हम इनसे रिटर्न लेते हैं। अच्छा जी, ये डोली है जिसका 250 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, और इसमें 6 से 8 पर्सन बैठते हैं, और फिर ये यहाँ से जाते हैं अरंगकेल। अच्छा, ये यहाँ का ये डोली का आप देख रहे हैं, इसकी हाइट जो है 300 फिट हाइट पर हैं हम। ये 300 फिट हाइट है, 300 फिट हाइट पर हैं, और ये हम पहुंच गए हैं अरंगकेल। बहुत मज़ा आया इसमें डोली में बैठकर। ये केबल कार भी कहलाती है और डोली भी कहते हैं इसको। अच्छा जी, अब हम इससे यहाँ से उतर रहे हैं और फिर हमें करना है हाइकिंग। अच्छा जी, अब हमारा हाइकिंग का सफ़र स्टार्ट होता है, और ये सारा फॉरेस्ट बना हुआ है, और ये हाइकिंग स्टार्ट कर दिया हमने। ये 40 मिनट्स की हाइकिंग के बाद हम जा पहुँचेंगे अरंगकेल। और हाइकिंग थोड़ी सी मुश्किल भी होती है, और स्टिक मिल जाती है केल से, जो है हम स्टिक ले लेते हैं जो इन्हें पकड़ी हुई हाथ में, जिससे हम थोड़ा ईजी हो जाता है हमें हाइकिंग करना। अच्छा, यहाँ की जो मकामी लेडीज़ है वो इतना सारे बच्चों को गोद में लेकर और काफ़ी सामान भी उठाकर ला रही हैं, और हम लोगों से अपना ही बोझ उठाया नहीं जा रहा है। काफ़ी मुश्किल होती है हाइकिंग, और एक बोतल पानी की छोटी बोतल ले लेना चाहिए साथ में, और ज़्यादा चीज़ें नहीं लेना चाहिए। जब आप ऊपर आ रहे हों तो उतने ही चीज़ें लें जितनी आपको यूज़ करना है। जी पहले बच्चे पहुँच चुके हैं, देखें थकी हुई यहाँ नहीं है हो रही है। अब तो जल्दी आ जाए, अब तो आ गई, बैठ जाए यहाँ पे। ये लोग पहले पहुँच गए थे और मैं बाद में पहुँची हूँ, और फाइनली मैं पहुँच ही गई हूँ। अच्छा, जब मैं पहुँच जाऊँगी फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी यहाँ के व्यू। अफ सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरती है यहाँ पे। फ्रेंड्स, हमने होटल बुक करवा लिया है अपना। ये हमारा अरंगकेल का जो है ये होटल का रूम है, और दो बेड हैं और वाशरूम है, और ये बच्चे अभी से रेस्ट करना शुरू हो गए क्योंकि थक गए थे हाइकिंग करके, इसलिए हमने सोचा पहले रूम ले लेते हैं ताकि रेस्ट कर सकें थोड़ा सा, फिर हम यहाँ का घूमें फिरें विज़िट करें। देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत जगह है, और ऐसे ही नहीं कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो जन्नत का टुकड़ा लगती है, यानी कि खूबसूरती में बेमिसाल है यहाँ का। और वाकई में अल्लाह ताला ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती से नवाजा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर हल्की हल्की ठंड है और धूप भी हो रही है। अच्छा, मैंने थोड़ी सी यहाँ पर खेती बाड़ी भी करी है, लेडीज़ कर रही थी तो उनके साथ मिलकर मज़ा आया खेती बाड़ी करने में भी, और यहाँ का व्यू तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या कहूँ बस यही निकला जा रहा है मुँह से, और बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत खूबसूरत है। जी, अपर केल की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और बहुत प्यारा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसको इतना खूबसूरत है कि आप देखते ही रहें। मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करने के लिए बैठी हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूँगी और दिखाऊँगी और यहाँ पर क्या क्या व्यू हैं। नीचे दरिया बह रहा है, दरिया नीलम की तरफ से आ रहा है, और मैं ब्रिज क्रॉस कर रही हूँ, और ग्लासेस और स्टिक के साथ ऐसा लग रहा है जैसे मैं ब्लाइंड हूँ, इसलिए मैंने ऊपर कर लिया है।
ये ऐसी जगह है जहाँ पर लोग फिल्म के सॉन्ग वगैरह शूट होते हैं। इस तरह की है कि आप इतनी खूबसूरती है कि आराम से आप फिल्म वगैरह के जो सीन होते हैं वो शूट हो जाएं, और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ के सारे और पहाड़ के बीच में वो देख रहे हैं माउंटेन पीक वाला। माउंटेन में अभी भी बर्फ़ है। और ये आ गए यहाँ के कॉटेज होटल्स जो हैं, ये यहाँ पर वुडिंग के कहाँ बने हुए हैं, सारे वुड के बने हुए हैं कॉटेज। और ये आ गई हमारी फैमिली। दूर पहाड़ पर जो बर्फ़ है, अभी हम पूछेंगे कि वो यहाँ से कितने ले रहे हैं पैसे। जी, ये घोड़े में जाने के लिए आप कितने लेंगे अगर हम ग्लेशियर में जाएंगे तो? जी मैडम, हम आपको 1500 रुपये लेंगे। 1500 रुपये लेंगे और दोनों साइड के आपको लेकर भी जाएंगे और वापस लेकर भी आएंगे। वापस लेकर भी आएंगे। और ये रेट यही रहते हैं? रेट यही है। नहीं, यही रेट है। तो अगर तादाद ज़्यादा हो घोड़े की तो उसमें 150 कम कर लेते हैं, बाकी यही है। वहाँ पर क्या है वैसे ग्लेशियर में? वहाँ पर बर्फ़ है, पानी बह रहा है, और जब ऊपर पहुँचेगी आपको ये पूरा गाँव जो है ना एक नक्शे में नजर आएगा, सारा आपको नजर आएगा। और उसको क्या कहते हैं वैसे उस जगह को? आज यहाँ पर हमारा स्टे है, तो कल भी हम जाएंगे 12-1 बजे तक निकलेंगे यहाँ से, तो हम हाउस राइडिंग कल करेंगे। इन शो को पसंद आ गया हॉर्स, और हॉर्स का जो बच्चा है वो उनको देखनी है शौक़ से, और वो गोद में चढ़ आ गई है, लेकिन ये देखना भी ज़रूर है। यहाँ पर मुझे डॉगी नज़र आए, 3 पप्पीज डॉगीज़ के, और जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। एक का नाम था ओरियो, एक का नाम जॉनी, और एक का नाम था टॉमी। बहुत ही क्यूट और प्यारे थे ये, और डर भी लग रहा था, और इनको पकड़ने का दिल भी चाह रहा था। सो मैंने इनको उठाने के लिए ट्राई करा, और पहले प्यार करा और इसके बाद फिर मैंने इसको चेक करा और उठा लिया फाइनली। अच्छा जी, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही हल्का फुल्का था बिल्कुल। और अब हम इसको लेकर जा रही हूँ मैं इसको इंशा के पास, और देखते हैं इंशा का रिएक्शन क्या होता है इस पपी को देखकर। पकड़ लिया अम्मा, हर जानवर को पकड़ लेती है, नहीं कैसे प्यारा तो है। गंदा हो रहा है, ले आओ इधर वीडियो में। कुछ नहीं कहता इंशा, कुछ नहीं कहता, ये माचो में दूसरा वाला लेके आया था, गंदा हो रहा है। हटो आयरा, देखो इंशा देखो, आओ यहाँ देखो, बस ऐसे ही देखो, हटो हटो रुमैसा, हटो रेडी स्माइल। जी, इसमें से एक माँ है और इसके 2 बच्चे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि बच्चे और माँ दोनों एक ही साइज़ के लग रहे हैं, और पता नहीं चल रहा है माँ कौन सी और बच्चे कौन से हैं। हमने बहुत इंजॉय करा पपी के साथ, और हम चलते हैं खाने के लिए। ये हम ले रहे हैं चपली कबाब, और हम हैं अड़ंग केल में, और अड़ंग केल के चपली कबाब बना रहे हैं, चिकन के चपली कबाब बना रहे हैं, मज़ेदार उनके लग रहे हैं। और इसके अलावा ये देखिए अड़ंग केल में, और ये रोटी बना रहे हैं मज़े की। ये इनका रेस्टोरेंट है और उनका किचन का। दोबारा बोलो तो, आपको तो आ रहा मम्मा।
अच्छी बेटा। इंशा को पसंद आ गया घोड़ा और वो घोड़े को देख रही है और घोड़े के बच्चे को देख रही है यहाँ पर। अच्छा लग रहा है, ये इंशा को बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। कौन सा प्यार बना रही है मेरी बेटी, तोड़ सकते हैं। इंशा चमाट मारेगी और बोलेगी सॉरी। यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा होता है और यहाँ पर होटल में रूम में पंखे भी नहीं होते हैं, फ़ैन भी नहीं होते हैं और सोचें कि हमारे कराची में एसी के बगैर गुजारा नहीं होता है। और यहाँ पर फ़ैन भी नहीं है, पंखे भी नहीं है। और लेकिन यहाँ पर रात में बहुत सर्दी हो जाती है और दिन के टाइम ठंडा ठंडा मौसम होता है और धूप भी होती है। अभी हम पी रहे हैं चाय और चाय आ गई है मेरी। चाय घुस के पी लें स्क्रीन के अंदर, वहाँ पिला दें, चाय पिला दें। चीनी के साथ के पियेंगे, चीनी के बगैर पियेंगे। विदाउट चीनी ही शुगर है ये। रात हो चुकी है और बच्चे खा रहे हैं। शाम का टाइम है अराउंड 6 or 7 o'clock और बच्चे खा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ और मैं पी रही हूँ चाय। और ये रात का नाइट व्यू है, होटल का नज़र आ रहा है आपको। और अब हम जा रहे हैं, रात का खाना खाएंगे और फिर वापस होटल के रूम में आके सो जाएंगे और फिर सुबह उठेंगे और फिर इंशाल्लाह कहाँ जाते हैं क्या करते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।